आइए अहाँ पोखरि में गली रहा नहाय ला तो तीरो कहे के कहलक हम पोखरि में नहाय लगे आय अहाँ नहीं कोई कहलक हम पोखरि में नहाय गलिए एहन कोनो बात आ नहीं है हम पोखरि में नहाय लेल नहीं गलिए यानी कि तीरू जे छै कन बताओ छुच्छे झूठे बोले यानी साफ साफ मना करे हम पोखरि में नहाय लगेबे नहीं गलिए आ पोखरि में लगा लेकर अपना पति कहे नहीं हम पोखरि में नहाय लेल नहीं गेलो रहा अहाँ ओना कोई कह दलक। नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत अछि। आइ अहाँ सबके लिए फिर एगो नया वीडियो लेकर अयलहुँ हन क्लास 12 मैथिली के वीडियो सारांश पार्ट 8। एहिसँ पहिले पार्ट 107 तक के हम वीडियो अपलोड कऽ देने छी। अगर अहाँ सब अखन तक पार्ट 107 तक वीडियो सारांश नहि देखलहुँ हन तऽ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकै छी। और अहाँ सबके लेल हमर प्रयास जारी रहत, जब तक अहाँ सब एग्जाम भऽ नहि जाइत अछि तब तक हम पूरा प्रयास करब जे अहाँ सबके मैथिली के सम्पूर्ण तैयारी करा दी। कियाकि हमरा हम अकेले सुबह 6 बजे से लऽ कऽ शाम 5 बजे तक क्लास 11वीं और क्लास 12वीं के 5 गो 6 गो बैच चलैत अछि, एहिके लऽ कऽ टाइम के अभाव में मुदा राति अखन 9 बज रहल अछि और 9 बजे हम अहाँ सबके लेल वीडियो शूट कऽ रहल छी, जाहिसँ अहाँ सबके लेल अहाँ सबसँ हम जे वादा कयने छी ओ वादा के हम निभाबी। और क्लास 12वीं मैथिली के एगो सीरीज शुरू कऽ रहल छी, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के सीरीज शुरू कर रहल छी, यानी कि अहाँ के एग्जाम तक एग्जाम से पहले तक हम 10 गो सेट अछि, यानी प्रत्येक सेट के 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहत। और अहाँ सब अगर पूरा 10 गो सीरीज देखै छी तऽ अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 गो नहि छूटत अहाँ के, यानी कि 20 तारीख सीरीज के पहला फर्स्ट चैप्टर यानी पहला जे सीरीज छै से काल्हि अहाँ के रिलीज करब। ताहिके बाद नित्यदिन अहाँ सबके लेल एक एक पार्ट यानी सीरियल वाइज 1 से लऽ कऽ 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लऽ कऽ हम आयल छी। अहाँ सबके लेल हम नित्यदिन एगो के ऑब्जेक्टिव के और प्रत्येक दिन कोशिश करब जल्द से जल्द अहाँ सबके हम पूरा मैथिली के सारांश वीडियो अपलोड कऽ दी। हमर प्रयास रहत, कोशिश कऽ रहल छी। तऽ चलू वीडियो के हम शुरू कऽ रहल छी। पार्ट अछि अहाँके 8 और पार्ट के नाम अछि अहाँके ललका पाग। ललका पाग ई छै अहाँके बहुत मतलब कथा छी। ताहिके बाद हिनक रचनाकार के बारे में जानि ली, ललका पाग रचनाकार के अछि, ई एक प्रकार से आत्मकथा छी जे सुनला के बाद कहबै जे हाँ मैथिली पढ़लहुँ हम तऽ ई चैप्टर सबसे मजेदार चैप्टर। तऽ देखियो देख सकै छी अहाँ सबके पार्ट भऽ गेल अहाँके 8 और पार्ट के नाम छी ललका पाग और लेखक अछि अहाँके राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी, ध्यान देबै अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अतैसँ आयत, एहिके लऽ कऽ अहाँ सब इहो शुरूसँ अन्त तक देखियौ आ ताहिके बाद सारांशोके शुरूसँ अन्त तक जरूर देखब। अहाँ सब की करै छी वीडियोके स्किप कऽ दै छी, एहन काम नहि करैके चाही। अगर अहाँ सब पढ़ै लए चाहै छी तऽ पूरा वीडियोके देखियौ और चैनल पर अगर पहिल बेर जुड़लियै हन चैनल सब्सक्राइब कयने नहि भूलब, ठीक छै। चलू ताहिके बाद यानी कि ललका पाग लेखक अछि अहाँके राजकमल चौधरी, हिनक मूल नाम अछि अहाँके मनेन्द्र नारायण चौधरी, जे हिनका लोग फूल बाबू के नाम सँ भी संबोधित करैत अछि, यानी कि फूल बाबू के नाम सँ भी हिनका लोग संबोधित करैत अछि। अगर हिनक जन्म के बात करी तऽ यानी कि लेखक राजकमल चौधरी के जन्म 13 दिसंबर 1929 के भेलिन और जन्मस्थान के बात करी तो महिषी सहरसा में हिनक जन्म भेल छलनि, यानी महिषी सहरसा, यानी कि किनक राजकमल चौधरी के जन्मस्थान महिषी सहरसा। और अगर हिनक निधन के बात करी तो 19 जून 1967 में राजकमल चौधरी के निधन भेलिन। हिनक पिता के नाम छल, हिनक पिता के नाम पंडित मधुसूदन चौधरी, जे पेशा सँ अध्यापक छलिन, यानी कि राजकमल चौधरी के पिताजी छल पेशा सँ अध्यापक। अहाँ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एहि प्रकार से आयत जेना पूछत जे राजकमल चौधरी पिता के नाम की अछि तऽ अहाँके पंडित मधुसूदन चौधरी, पंडित मधुसूदन चौधरी पेशे सँ अछि तऽ अहाँके अध्यापक अछि। ताहिके बाद हम अगर बात करी लेखक राजकमल चौधरी के शिक्षा के बात करी तऽ अहाँके इनक शिक्षा यानी कि बी कॉम कयने छलखिन, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सँ यानी कि कॉमर्स के डिग्री प्राप्त कयने छलखिन, यानी कि बी कॉम कयने छलखिन। अगर हम हिनक कुछ कीर्ति के बात करी यानी कि राजकमल चौधरी के कुछ कीर्ति के बात करी तऽ आदि कथा 1958 में प्रकाशन भेलिन, एक बाद आंदोलन छल जे मेटा गेल आंदोलन 1968, पाथर फूल
ललका पाग जे देख रहल छी, जेके वीडियो ललका पाग जकर प्रकाशन 1968 में भेल, ठीक छै। एक और छल अहाँके राजकमल जकर प्रकाशन 1980 में भेल, निर्मोही बालम हमर, ई सब हिनके कृति अछि। एहि प्रकारसँ हिनक आनो बहुत ही कृति सब अछि, जेना भेल अहाँके बहुते अछि, कवितावली, मुक्ति प्रसंग, अधिकथा, मछली जाल, चौरंगी, एक अनार एक बीमार, हिनके कृति सब अछि, ठीक छै। मछली मरी हुई, दे गाथा, शहर था शहर नहीं था, कुछ हिंदियों में हिनक कृति सब अछि। चलू अब जे छै अहाँके अहाँके हम ललका पाग कथा के सारांश शुरू कऽ रहल छी। ललका पाग कथा के सारांश ध्यान से सुनियो, और वीडियो शुरू करे से पहले, कथा के शुरू करे से पहले अहाँ सबके इतने कहै छी जे अहाँ सब वीडियो के स्किप नहि करू, तै के बाद अहाँ के जत्ते ऑब्जेक्टिव अछि आ सब्जेक्टिव अछि कथा सुनला के बाद अहाँ सबके पूरा बनि जायत। और ई कथा बड़ी दर्दनाक कथा छै, अही के लऽ कऽ अहाँ ई वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब, ठीक छै। देखियो यानी कि ललका पाग, यानी ललका पाग जे कथा अछि, कथा के सारांश हम पूरा बता रहल छी, अहाँ से वीडियो के स्किप नहि करब, वीडियो के शुरू से अंत तक देखब, तबे अहाँ सब कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलत। अहाँ सब कहै छी सर सब्जेक्टिव के अलग से बताइए, ऑब्जेक्टिव अलग से बताइए, हाँ ऑब्जेक्टिव तो बतेबे करब, मुदा अहाँ एहि कथा के शुरू से अंत तक देखबै तऽ अहाँके एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनि जायत। एहि के लेल अहाँ सब वीडियो की करै छियै, दू मिनट देखै छियै आ वीडियो के स्किप कऽ के आगे बढ़ि जाइ छियै या हटाइए दै छियै वीडियो के, ताहिसँ अहाँ सबके समझमे नहि आबै। वीडियो के पूरा देखियौ ने, अहाँके प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिल जायत, और ऑब्जेक्टिव तऽ हम वीडियो लऽ कऽ आबि रहल छी, सीरीज शुरू कऽ रहल छी हम काल्हिसँ, ठीक छै। देखियौ ई ललका पाग जे कथा छै, यानी कि राजकमल चौधरी के बड़ी दर्दनाक कथा छै, बड़ी दर्दनाक कथा छै। ध्यान देबै एहि कथा के नायिका अछि तीरू, तीरू एक धर्मनिष्ठ मैथिले ब्राह्मणक पुत्री छथि, और बचपन में ही हिनक पिताजी के यानी कि देहांत भऽ जाइत अछि। देहांत भला के बाद ध्यान देबै यानी कि देहांत भेला के 10-11 वर्षक बाद हिनक पिता यानी कि हिनक भाई, हिनक भाई कहि सकै छी भाई झिंगुनाथ झा गाम आबैत अछि, यानी कि तीरू के भाई झिंगुनाथ झा गाम आबैत अछि। आ तीरू के विवाह चंडीपुरक राम सागर के चौधरी के सुपुत्र राधाकांत सँ सम्पन्न होइत अछि, यानी कि कहि सकै छी अइ ललका पाग कथा के नायक तीरू, सॉरी नायिका तीरू और नायक अहाँके राधाकांत, यानी कि राधाकांत सँ तीरूक विवाह सम्पन्न होइत अछि। विवाह सम्पन्न भेला के बाद तीरू बड़ प्रसन्न भेला, खूब खुश होइत अछि, या हमर यानी कि शादी भऽ गेल। आ विवाह यानी कि प्रसन्नता के कारण की छल से ध्यान सुनियौ, प्रसन्नता के कारण ई छल तऽ तीरू के सासुर में हुनका घर के पीछू में हिनका बड़का गो बाड़ी छल, आ ओहि बाड़ी के पीछू में यानी कि पछवाड़ी में कहि सकै छी बड़की टा के पोखरि छल। तऽ सासुर गेला के बाद जेना आइए सासुर गेलखिन तीरू, और अपना साउससँ चनकपुर वाली जिनक साउस छल सतम्या साउस छलै रहए, तऽ हुनका जाके जे कि यौ माँ यानी सुनू, हमरा छै ने नहायके यानी पोखरिमे हेलैके मोन होइए, अगर अहाँ आज्ञा दै छी, अगर अहाँ कहबै तऽ हम पोखरिमे जा कऽ नहैतो रहए। तऽ ये बताउ नया नया कनियाके के कहतै जाउ पोखरिमे नहो गऽ, आइ बिआह भऽ कऽ गेबे कयलनि, आइए कहै छै अपना साउसके जे माँ ये हम पोखरिमे जा कऽ नहायके हमरा इच्छा होइए, हेलैके मोन होइए। तऽ हिनक साउस कहै छै कि एहनो होइ छै, अहाँ आइ बिआह भऽ कऽ अहाँ अयबे कयलनि आ कहै छियनि जे पोखरिमे नहाय लए, नहि नहि एना नहि भऽ सकैए ने, अहाँ नहि जायब। मगर तीरू तऽ बचपनवला मोन रहैकन, बाल मोन रहैकन, अपन साउसके बात काटि कऽ भिनसरे, जखन भिनसरे भेल आ भिनसरे उठि कऽ पोखरिमे जा कऽ चुपकुनिया मारैए, यानी कि हेलैए पोखरिमे जा कऽ, बजियौ यानी कि नया नया बिआह भेलै आ जा कऽ पोखरिमे हेलै छै। सगरो गाँवमे टीका टिप्पणी होमय लागल जे राधाकांतके कनिया पोखरिमे हेलै छलै रहए, स्वाभाविक सी बात छै, आइ बिआह भऽ कऽ भेलै आ काल्हि भऽ कऽ जेतै नहाय लए पोखरिमे तऽ गाँवमे हेलै नहि हेतै गन, ककरो कनिया रहए कि ओ, तऽ स्वाभाविक सी बात छै। शाममे जखन राधाकांत आयल दुनू कमरामे गेल तऽ राधाकांत कहलखिन अपना कनियासँ, अइए अहाँ पोखरिमे गेलियै रहए नहाय लए, तऽ
तीरो कहै छै के कहलक जे हम पोखरि बनाए लागि गेलै हम आय अहाँके ओनाहिते कोइ कहलक तऽ हम पोखरि बनाए लागि गेलियै हन एहन कोनो बात आर नहि छै हम पोखरिमे नहायके लेल नहि गेलियै रहै यानी कि तीरु जे छै कन बताबू छुच्छे झूठे बोलै छै यानी साफ साफ मना करै छै हम पोखरिमे नहाए लगेबे नहि केलियै रहै आ पोखरिमे नहाए लगाएल रहै कन अपना पति कहै छै नहि नहि हम पोखरिमे नहायके लेल नहि गेलो रहै अहाँके ओनाहिते कोइ कहि देलक हन बताउ राधा खानके तऽ पता चलै रहै जे ई तऽ भिनसर उठि कऽ बिहा भऽ काल्हि हेबे केलै आ भिनसर उठि कऽ गेलै रहै पोखरिमे हेलै छलै रहै चुपकुनिया मारलै पोखरिमे कि तखन तऽ बताउ तऽ अपना पतिके झूठ कहलखिन तीरु तऽ राधाकांतके गुस्सा आबि गेलै क्रोधित भऽ गेलै बताउ तऽ अहाँ एखन तऽ नया नया बिआह भऽ कऽ अयबे केलनि अगर हमरासँ छल कऽ रहल छियै यानि कि झूठ बोलि रहल छी जे हम नहाय लए नहि गेलहुँ रहै एहन अहाँ बात नहि झूठ बोलि रहल छी सच बताउ जे अहाँके लेके नहि गेलियै रहै तऽ कहै छै नहि नहि हम तऽ गेबे नहि केलहुँ रहै साफ साफ मनाए कऽ दै छै तीरु जे हम बिआह यानि कि हम पोखरिमे नहाय गेलै नहि गेलहुँ रहै तऽ एहिसँ की होइ छै यानि कि राधाकांतके गुस्सा भऽ जाइ छै बताउ तऽ हमर पत्नी हमरासँ झूठ बोलि रहल यऽ तखनिए दुनूके बजाबू कि बन्द भऽ जाइ छै कहै छै आइसँ हमरा बजायब नहि अहाँ झूठ किया बोलू अहाँ गेलियै रहै पोखरिमे नहाय लए अहाँ कहै छी जे हम पोखरिमे नहाय लए गेबे नहि गेलहुँ रहै आइके बाद हमरा अहाँ टोकि नहि सकै छी आ तीरु नया नया रहै कहै छै नहि टोकब यौ घमंडमे कहै छै चलू कोइ बात नहि अहाँ हमरो नहि टोकब हम अहाँके नहि टोकब यानि कि दुनूके उएह दिनसँ बाजा भुकी बन्द भऽ जाइत अछि बुझलहुँ बन्द भेलाके बाद बहुत दिन तक बीत गेल बहुत दिन तक एनाहिते चलैत रहैन यानि कि दुनूके बाजा भुकी पति पत्नी भऽ कऽ बाजा भुकी सोचियौ बन्द रहै कन किछु दिनक बाद राधाकांतके कॉलेज खुलि गेल दरभंगा जयबाक रहै हुनका तऽ जाइके टाइममे कमसँ कम पत्नीसँ पुछबाके चाही ने जे केओ हम जाइ छी हमर कॉलेज खुलि गेल हन मुदा राधाकांतके तऽ मनमे उएह रहै कन द्वन्द जे हमरासँ छल कयलक चलू हिनका हम आब कतहु जेबै तऽ हिनका कहबै उबै नहि यानि कि हुनकासँ मोह माया हिनका टूटल जाइ छल मुदा जाइत घुरती जे कॉलेज दरभंगामे हिनका कॉलेज खुलि गेल तऽ जाइत घुरती हिनकासँ पुछबो नहि करै तकबो नहि करै छी जे हम अपना पत्नीके जे तीरुके जा कहै छी हम जा रहल छी दरभंगा हमर कॉलेज खुलि गेल यानि कहबै नहि छै आ निकलि जाइ छै आ ताहिके बाद राधाकांतके सत्यमाय रहै छै कन चनकपुरवाली यानि चननपुरवाली ओ चाहै छै कि बढ़िआँ भेलै कन राधामे आ तीरुमे दुनूमे भने मतभेद भऽ गेलै आब जे हम की करबै अपना बेटाके दोसर बिआह कऽ देबै कन ओ चाहिते रहै इएह दिनके इन्तजारे करै छलै जे कहिया दुनूमे झगड़ा हेतै आओर अपना बेटाके की करबै हम दोसर जगह बिआह कऽ देबै एकरा घरसँ हम भगा देबै कन बुझलहुँ तऽ एक आओर रहै डॉक्टर शम्भु बाबूके पुत्रीसँ राधाके विवाहके यानि कि सोचऽ लगलै जे चलू बढ़िआँ छै दुनूमे झगड़ा भेलै ने आब जे छै अपना बेटाके की करबै यानि कि बाबू शम्भुनाथके बाबूके पुत्रीसँ विवाह कऽ देबै एहि हेतु जे छै कन चननपुरवाली यानि कि राधाके सत्यमाय जे रहै कन दुनूके बीचमे मतभेद शुरू कऽ देलकै दुनूके बीचमे लड़ेनाइ शुरू कऽ देलकै बढ़िआँ छै दुनूमे लेट हेतै ने तब की करबै अपना बेटाके दोसर विवाह कऽ देबै दहेज नहि मिलत दोबारा फेरसँ कि एहि हेतु राधाके मनमे तीरुके प्रति घृणा उत्पन्न कऽ दैत अछि कि ओकरे सत्यमाय चननपुरवाली एहि प्रकारसँ समय बीतैत गेल तीरु दिन राति कनिते रहै छलखिन कतेक दिन बर्दाश्त कऽ कऽ रहतै रहे बताबू तऽ नया नया बिआह भेल लेकिन शुरूमे तऽ ओतेक बुझल नहि आबै छलै तऽ कहलकै कोइ बात नहि एनाहिते दुनिया कटि जेतै मुदा जहिना समझदार होइत गेल तीरु सोचऽ लगलखिन हमर पति लागै छै हमरा छोड़ि दैत हरदम बेचारी कनिते रहै छलखिन रहै हरदम दिन राति कनिते रहै छलखिन रहै आ चनकपुरवाली बुझलखिन आब तऽ हम विजय भऽ गेलहुँ अब जे हम विजय भऽ गेलहुँ यानि कि राधाके हम विवाह करबाके अब हम तैयारी कऽ रहल छी यानि कि चननपुरवाली अपना बेटा सत यानि कि राधाके दोसर विवाह करबाके तैयारी शुरू कऽ देलक राजा जइहो ध्यान देबै राधा कहियो जे गाम आबी तऽ तीरुसँ नहि मिल सकै रहै चुपचाप जाकऽ कोनामे कतौ कतौ बैठ कऽ अपना सत्यमायसँ मिलै आ दुनू चुपचाप गप करै एक दिन की भेलै जे ओकर राधाके सत्यमाय सिखा देलकै कन अरे तू जे बिआह करबी तऽ कमसँ कम तऽ अपना कनियाके एकबेर जाकऽ कहि दही ने तऽ एक दिन की भेल राधा जे छै कन अपना कनियाके पास गेल सब तीरुके पास तऽ पहिले तऽ राधाके तीरुके आश्चर्य भेल एक दिनसँ तऽ हमरा केओ टोकते नहि छल की बात छै आइ हमरा कमरामे राधा आयल हन तऽ पहिले तऽ प्रसन्न भेल मुदा जखनि कहलक कि राधा हम जे छै कन दोसर बिआह कऽ रहल छी पहिले तऽ राधा किछो नहि तीरु किछो नहि यानि कि तीरु किछो नहि बोलल की बोलतै बताउ ओकर पति कहै छै जे अपना कनियाके जाकऽ हम जे दोसर बिआह कऽ रहल छी बेचारी खूब आओर कारण लागल मगर करथिन रहै कि तऽ पहिले तऽ आश्चर्य भेलनि राधा तीरुसँ कहने छै हमर दोसर विवाह कऽ रहल छी
तीरू पहिने तक उत्तर नहीं देलथिन, सिर्फ कनित रहलखिन। पुनः राधा पुछला पड़े, तीरू कहै छै नीके त होत, अहाँ के कुल में तो दूगो बिहार तो सबके होते है, अहूँ कहबे को जुलूम थर के बजा दी। यानी कि देखियो दिल से नहीं कहे, तकलीफ में कहे कोई बात नहीं, नीके है अहाँ अहाँ के खुशी में हमारे खुशी है। यानी कि राधा के पत्नी तीरू छथिन कहे अहाँ खुशी हमारे खुशी है, अहाँ कुल में तो सब दू दू गो बिहार करते, अहाँ कहबे तो जुलूम थोड़े भ जाते। कि पुनः राधा पूछला पर तीरू कहे तो नीके होते, अहाँ कुल में दू गो बिहार लिखले, हमरा किएक दुख होते, हमरा तो कनिको दुख नहीं होते, कारण अहाँ के सुख से हमरो सुख ठीक कहे, अहाँ जैमे सुख छी, जैमे अहाँ खुश छी, हमहूँ खुश छी। एक घटना किछु दिनक बाद तीरू के ससुर जे छै बेटा के नाम में सब संपत्ति रजिस्ट्रि कऽ दैत अछि, सब संपत्ति रजिस्ट्रि कऽ दैत अछि। आ ताहिके बाद जे छै अहाँ तीरू अपना सासुर से कहै छै, ओ रजिस्ट्री कऽ कऽ कहै छै हम जे छै कन हरिद्वार दिस विदा भऽ रहल छी। तीरू कहै छै यौ सुनू ससुर जी, तीरू अपना ससुर कहै छै कि सुनू ने, हमरो जे छै कन हमरो लऽ कऽ चलू, अहाँ जतऽ अहाँ जा रहल छी ततऽ हमरो लऽ कऽ हरिद्वार चलू। तऽ तीरू ससुर कहै छै देखियौ अहाँके जे छै कन अहाँके डोली एहि घरमे आयल अछि, अहाँके अर्थी एहि घरसँ जायत, अहाँ एहि घरसँ नहि जाउ, जहाँ अहाँ घरसँ जेबै अहाँ के अर्थिये जायत, जब तक रहू अही घर में रहू, अहाँ घर से छोड़ कर घर के छोड़ कर नहीं जाओ। तीरू के ससुर तीरू से कहते हैं, तीरू तीरू बुझलखिन हमर पति तो अब हमरा रखबे नहीं करथिन, दोसर ब्याह कर रहा है, हम जे छै अपना ससुर संगे यानी कि हम जाकर संन्यास बन जाएब, हम हरिद्वार में जाकर भजन कीर्तन करब, मुदा हुनक ससुर मना कऽ दै छै अहाँ नहि जाउ, अहाँके अहाँ आयल छियै घरमे, अहाँके डोली आयल अछि, जहिया जे जायत अहाँके लाशे जायत, अहाँ इएह घरमे रहू दुख सुख काटि कऽ। ठीक छै, राधाके ताहिके बाद राधाके विवाहके तैयारी हुअ लगै अछि, राधाके विवाहके तैयारी खूब जोर शोरसँ हुअ लगैत अछि। राधा अपन मित्र सबके स्वागतमे व्यस्त रहैत अछि बुझलहुँ, आ तीरू हुनका लोकनिके खीबे पीबैके व्यवस्थामे बेचारी लागल, की करथिन, तऽ तीरुओ जे छै कन हुनका यानी कि हुनका सबके हुनका सब मित्र सबके खीबे पीबैके व्यवस्थामे लागल रहैत अछि, लेकिन पुराना खर जकाँ नहू नहू बेचारी जलैत छलखिन रहए, ओ किछु नहि बजली। स्वामीके प्रसन्न रखबाक लेल ओ विवाहक हरेक रस्म पूरा करै छलखिन रहए। अन्तमे तीरू ललका पाग आनि कऽ राधाके हाथमे राखि दैत अछि, अंतमे तीरू राधा यानी कि ललका पाग आनि कऽ राधाके हाथमे राखि दैत अछि। ई सब देखि कऽ राधाके मन विचलित भऽ जाइत अछि, जोर जोरसँ कानऽ लगैत अछि जे हम ई की कऽ रहल छी, हमरा एतेक मानयवला पत्नीके छोड़ि कऽ हम दोसर विवाह कऽ रहल छी। तखनी राधा विवाहके जे ख्याल छल मनसँ हटा कऽ तीरूके अपना लैत अछि, दोसर विवाह नहि करैत अछि। एहि प्रकारसँ फेनूसँ तीरूके अपन राधा भेट जाइत अछि यानी कि राधाकांत भेट जाइत अछि। अहाँ सबके कथा केहन लागल हमरा कमेंटमे बताएब, हमर वीडियो पसंद भेल हैत तऽ लाइक एक जरूर करब। अहाँ सबसे बस इएह हम कहै छी, अहाँ सबके वीडियो पसंद भेल तऽ लाइक एक जरूर करब, अगर चैनल पर पहिल बेर जुड़लिए हम चैनल सब्सक्राइब जरूर कऽ दियौ। एहि प्रकारसँ अहाँ सबके हम सम्पूर्ण मैथिली तैयारी कराबैके पूरा कोशिश करब, धन्यवाद, काटि दियौ।